बैक टू माई YouTube चैनल, मैं श्रेया जिंदल और आज फिर से एक ब्लॉग लेकर आ गई हूँ जो कि होने वाला है उज्जैन का। तो ये उज्जैन का सीरीज पार्ट जो भी कह सकते हैं आप पार्ट टू रहेगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। वो क्या होने वाली है, जब मैं लास्ट टाइम उज्जैन गई थी तो मैं सिर्फ अपने भाई के साथ गई थी, तो अब जा रही हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें कि मैं अटेंड करने वाली हूँ बस मार्ट, जो कि उज्जैन में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बस मार्ट थी, मेरे साथ एंजॉय करिएगा, पूरे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। और अब मिलते हैं सीधा उज्जैन में। मेरठ से चलने के बाद हम फाइनली उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब मैं सीधा जाऊंगी अपने भैया भाभी के यहाँ, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम को थोड़े बहुत टेंपल्स वगैरह घूमने के लिए निकलेंगे और रात को हम एंजॉय करेंगे अपनी भस्म आरती जिसके लिए हम उज्जैन आए हैं। वेलकम गाइज। तो पूरा दिन रेस्ट करने के बाद हम लोग उज्जैन 1 o'clock अप्रॉक्स पहुँच गए थे, तो अब बज रहे हैं रात के 8। तो थोड़ा सा उज्जैन घूम के भस्म आरती के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए बीच में भी आप आके रात को नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद दोबारा जाएंगे। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं उज्जैन में, जो हम पिछले ब्लॉग में नहीं कर पाए थे। चलो इस्कॉन टेम्पल घूमने के बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए गए। एज मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि उज्जैन में श्री गंगा बहुत ज़्यादा फेमस है खाने पीने के लिए, तो हम C21 प्लाजा में आए हैं, कॉम्प्लेक्स में आए हैं खाने के लिए, क्योंकि 3 जगह ब्रांच हैं श्री गंगा की। तो हम C21 में आए हैं, उसमें श्री गंगा की ब्रांच है। अब हम खाना इन्जॉय करेंगे और मेरा पूरा फूड व्लॉग आप नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हैं। तो अब जल्दी से खाना इन्जॉय करते हैं। वन आवर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं भस्म आरती के लिए। तो भस्म आरती के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहले जो कंपलसरी था कि हाँ बॉयज़ को जेंट्स को धोती पहननी है, अब वो ऐसा रूल नहीं रहा है। विमेन और गर्ल्स के लिए साड़ी पहननी कंपलसरी थी, अब वो भी रूल नहीं रहा है। आप जिस चीज़ में कम्फर्टेबल हैं आप वो पहन सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल पर। वो 150 पर पर्सन, मतलब 150 पर डे के हिसाब से होता है, मतलब 150 कैंडिडेट जो हैं भस्म आरती के लिए एक बारी में बैठ सकते हैं। बट वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ। और 200 रुपीज़ पर पर्सन का भस्म आरती का चार्ज होता है, तो अगर आप पहले ही करा लोगे तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और अब अंदर चलते हैं। बहुत सारी वेरिफिकेशंस हुई उन्होंने, मतलब जिनका लिंक वेरीफाई नहीं हो रहा था उन्हें अंदर आने भी नहीं दे रहे थे। तो मेक श्योर कि आपका जो प्रिंट आउट है वो क्लियर हो, जो QR कोड है वो परफेक्टली स्कैन हो सके, अदरवाइज़ वो दर्शन बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो अब अंदर जाके देखिए ये कितनी सारी भीड़ थी। ये लोग 11-12 बजे से ही लाइन में लग चुके थे। 4 बजे मंदिर खुलेगा, 4 बजे भस्म आरती के लिए सब रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग नॉर्मल टी शर्ट जींस कुर्ते वगैरह में हैं। तो अब कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं रहा कि हाँ धोती पहननी है, साड़ी पहननी है, लड़कियाँ सूट भी पहन सकती हैं, कुर्ती भी पहन सकती है। तो अब देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मंदिर खुल चुका है और पूरी तैयारी चल रही है भस्म आरती की। आप बैकग्राउंड में वॉइस भी सुन सकते हैं, ये मंदिर के अंदर से आ रही है और बहुत सुंदर लग रहा है। जब लास्ट में आई थी तब भी रात को आई थी तो ऐसा ही व्यू था सेम। तो अगर आप मेरा और देखना चाहते हैं व्लॉग कि रात के टाइम कैसा था एट टू नाइन ओ क्लॉक, तो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे लाइंस चलती रही, फिर हम डायरेक्ट अब ये महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के अंदर का मंदिर का व्यू था। ये देखो उज्जैन में खुद से भी आके तब भी जगह जब नहीं मिली है तो भी फोन में देखा जा रहा है दर्शन। 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी फोन में देखा जा रहा है जितनी तो भीड़ है, अभी आपको खड़े होकर थोड़ी देर बाद भीड़ दिखाते हैं। जगह जब नहीं मिली तो फोन के अंदर ही देखना पड़ रहा है, आप भी दर्शन कर लो भाई। जब मेरे को जगह नहीं मिली, मैं कोई पता नहीं कौन सा गेट था, मैं वहाँ से घुस के पता नहीं कैसे सबसे आगे आके बैठ गई।
तो मैंने शॉर्टकट मारा, मुझे नहीं पता वो रास्ता कहाँ जा रहा था, तो मैं सबसे आगे आके निकली और मैंने शूट किया। मैंने बहुत अच्छे से देखा भी क्लोज वे में, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा अच्छी फील थी वो, जब भस्म आरती के बाद जब तैयार उन्हें किया गया जिस तरह से, और लाइट्स बंद करके जो एक कुछ सेकंड्स के लिए भगवान जी का रूप था, वो जब हम अपनी रियल में आंखों से देखते हैं ना, मतलब आपको कैमरे और वीडियो से कुछ नहीं समझ आने वाला, जब हम रियली रियलिटी में देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिल से फील होने वाली फीलिंग होती है। तो कभी आप आएँ तो ज़रूर इन्जॉय करिएगा, भीड़ तो होती है बट यू विल इन्जॉय इट फॉर श्योर। भस्म आरती अटेंड करने के बाद मेरे को ये नहीं समझ आया कि अगर वन डे में 150% कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन होता है तो इतनी सारी भीड़ कहाँ से आई थी, आई डोंट नो, लेट इट बी। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे और सारे प्लेसेस जो मैंने यहाँ विजिट करें, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। होगी पार्ट टू होगा उज्जैन का, सीधा मिलता है उज्जैन में, क्या बोल रहे हैं मैंने।